रहा है और मैं बहुत काम क्या है जो इस्त्री का काम है, मैं धोबी हूँ, इस्त्री का काम करता हूँ। और बोलता हूँ जो भी ये प्रॉब्लम 6 महीने पहले मालूम हुआ मेरे को, बच्चे को ऐसा टाइफाइड हो के थोड़ा बहुत बुखार आके मालूम हुआ तो मासूम हॉस्पिटल में बताया मैं। उसके बाद उन्होंने क्या करे, मासूम हॉस्पिटल में डॉक्टर राउत सिद्दीकी डॉक्टर साहब नीलोफर हॉस्पिटल को मेरे को भेज दिए। वहाँ पर क्या है, 8 दिन रख ले के MNJ में ये जो बच्चे को ट्रीटमेंट, खून की कमी और तकरीबन प्लेटलेट वो गिर जा रही और इसको कैंसर के ये दिख रही, बोल के क्या है मेरे को MNJ हॉस्पिटल में भेजे। तकरीबन मैं डेढ़ से दो लाख रुपए खर्च किया हूँ और बोल तो काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा पड़ रहा मेरे को। और काफ़ी मैं गरीब आदमी हूँ और कोई दूसरा सहारा चारा भी नहीं है मेरे पास। और हमारे जो महल्ले में तकरीबन लोगों को मैं काफ़ी ये कर लिया रिक्वेस्ट, और हमारे अजहर भाई भी काफ़ी मेरे को मदद करे, और जो भी मेरे मुस्लिम इस्लामिक भाई हैं और मेरे फ्रेंडशिप सर्कल जो अजहर भाई है, अजहर भाई के फ्रेंडशिप सर्कल, फ़यूम भाई उनके फ्रेंडशिप सर्कल, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, मैं उनका चाहने वाला हूँ, जो भी मेरे को रिक्वेस्ट करके ये हेल्प कीजिए और मेरा बच्चा सही सलामत आंधे बोल के मेरे को, मेरे वास्ते और मेरे बच्चे के वास्ते दुआ भी कीजिए आप। यही आपसे अदबन गुजारिश है मेरी आपसे बहुत। और मैं इतना कहते हुए अपनी बात कर दूँ, मेरा नाम अशोक कुमार है। एक बच्चे की उम्र क्या है? 4 साल, 4 साल का बच्चा है, विनायक नाम है। आप कौन सा हॉस्पिटल पे है बच्चा? MNJ हॉस्पिटल में है। तो डॉक्टर सर बता रहे हैं आपको, और वो जो कीमो लगाती हैं वो 30-35 हज़ार रुपये में ऐसा कीमो पड़ रहा है। और बोल तो काफ़ी उधर रह के स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अल्लाह बेहतर जानता है मैं कितनी तकलीफ ये कर रहा हूँ। और तो काफ़ी ऐसा मुलाकात हुई, अजहर साहब आपकी मदद के लिए आ गया है, इसके बारे में बताइए। अजहर साहब बहुत पहले से, बचपन से भी उन्होंने, सीनियर क्रिकेटर है हमारे, बहुत बचपन से पहले से हम जानते हैं उनको और काफ़ी अच्छे इंसान है। और काफ़ी इसके अलावा भी तकरीबन हमारे को जो भी आगे फ्यूचर में क्या भी प्रॉब्लम रहे तो कुछ भी हमारे को हर चीज़ से उन्होंने हेल्प करे। और बोलते तकरीबन बार भी हम जो हमारे महल्ले में मसले मसाइल जो शादी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो हम तकरीबन, मैं हमारे नासिर भाई उन्होंने मिल के जाके कुछ भी क्या है किसी को भी चावल वगैरह कुछ तो जो भी शादियों में क्या हेल्प करे अजहर भाई, हम हमारे को कभी भी नाराज़ करके नहीं भेजे अजहर भाई। तुम्हारा काम रंदे महल्ले में किसी की भी औरत बेटी का काम कुछ भी रंदे और मेरे को आके इन्फॉर्म करो, जो होता मेरे से बनता मैं दे देता हूँ तुम्हारा, और बोल के क्या है वहाँ से दे देते थे और फयूम भाई को इन्फॉर्म कर देते थे, बच्चे जो है ना जो सही कर ली नहीं, देखो आप भी क्या है बच्चों को क्या है ज़रा निगाह रखिए बोल के फयूम भाई को भी करते थे। और काफी अच्छा काम करे हमारे अजहर भाई। तो अब आगे आपको पब्लिक से हेल्प चाहते हैं क्या सर? आगे मेरे को जो भी हमारे जो भाया हैं मेरे को काफी उनसे उम्मीद है कि हेल्प करे, बल्कि उनके अदबन मेरे थे उनसे वो काफी रिक्वेस्ट है, अदबन रिक्वेस्ट है मेरी जो हेल्प करें दे उन्होंने मेरे को बल्कि। आप गूगल पे फोन पे नंबर पे डाल रही सब चैनल पे जी, चैनल पे मदद कीजिए बोलिए। काफ़ी मेरा फ़ोन पे फ़ोन नंबर और मैं दिया हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 8892390928 है और गूगल पे फ़ोन पे यही नंबर है, प्लीज़ मेरे को हेल्प करो। यही मेरा गूगल पे फ़ोन पे नंबर है। आपका घर का एड्रेस बोलिए, यहाँ पर कोई भी गूगल पे फ़ोन पर नहीं है तो घर को आपको मिल सकते हैं। और गांधीनगर कॉलोनी मैलोर वार्ड नंबर 26 नियर उमर मस्जिद के पास रहता हूँ मैं जी। वार्ड नंबर 26 में गांधीनगर मैलोर में हमारे मोहम्मद नासिर साहब और उनकी टीम कल आई थी मेरे पास, जो अशोक कुमार जो इस्त्री का काम करते हैं और वो पिछले 10 या 12 साल से मैं उनको पहचानता हूँ, वो क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ। तो उनके बच्चे का कुछ प्रॉब्लम बताए कि वो हॉस्पिटल में थे पिछले 3 महीने से, हैदराबाद में MJM हॉस्पिटल में उनके बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो इस्त्री का काम करते हैं, जो उनका अब तक जितना जमा पूंजी थी वो खर्च किए 1.5 से 2 लाख रुपए। अब वो लोग कुछ मदद के लिए ऐसे हमसे जो हुआ हम तो दिए, और हमारे भी दोस्त लोग को भी मैं बोला हूँ उन्होंने भी हेल्प करते हूँ बोले, मगर मैं बीदर की अवाम से भी गुजारिश करता हूँ ख़ासतौर आप लोग भी इनका फ़ोन पे और गूगल पे नंबर पर अपने से जो हो सकता है आप लोग भी पैसा दीजिए और अशोक कुमार के बेटे की मदद कीजिए, वो छोटा सा बच्चा है और 4 साल उम्र है, वो बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ है। और मैं जो भी लोग हैं जो पैसा दे सकते हैं उनकी ख़ास तौर पे मदद कीजिए, क्योंकि वो एक इस्त्री का काम करते हैं, जो 10-15 रुपये जमा कर कर भी 1.5 से 2 लाख रुपये जमा किए थे, जो भी उनके घर में था वो खर्चा कर दिए, 3 महीने से वहाँ पर है कुछ नहीं है, उनकी मदद कीजिए, शुक्रिया। ये हम
हमारे जो ना अशोक मडाल बोल के हैं, उनका बच्चा बहुत सीरियस है और यहाँ बिदर में जो है ना मासूम दवाखाने में एडमिट करे हुए थे, हमको मालूम भी है। वो बच्चा जो है ना इस तरह का काम करता है, क्योंकि मैं इस बच्चे को जो है ना कम तकरीबन जो है ना 15 साल से जो है ना जानता हूँ। और छोटे छोटे दो बच्चे हैं उसको, बाप बेचारे का हालत बहुत ख़राब है, फिर भी इन्हें हमारे वार्ड नंबर 26 से, और मैं भी जो है ना इस वार्ड नंबर 26 में रहने वाला हूँ। मेरा नाम अलहज अताउर रहमान, मैंने रिटायर्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल के हूँ और ये बच्चे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और बहुत गरीब है बच्चा, इसलिए जो है ना इसके पास जितना पैसा था, जो जो भी मदद करे थे, जो भी करा था, उतना पैसा पूरा उन्हें जो है ना खर्च किया है। अब बहुत परेशानी हालत में, ऐसी हालत में जो है ना ये बच्चा जो है ना हमारे नौजवान अजहर भाई के पास पहुँचा, वहाँ पर जाके अपना जो कुछ भी जो है ना बोला, तो उन्होंने उनको लिफाफे में कुछ अमाउंट डाल के दिए, यानी हमने कोई देखा नहीं उसमें कितना है, लेकिन उन्होंने गपचुप हाथ से इसको मदद किए हैं। और मैं आप तमाम जो है ना हमारे वार्ड नंबर 26 के नौजवानों से और बुज़ुर्गों से सबसे मैंने अदबन गुजारिश करता हूँ, इसी तरह से हमारे सारे बिदर के जो है ना आम जो बात सुन रहे हैं या देखते हैं सुनते हैं, उन सबको जो है ना मेरी अदमन गुजारिश है कि ये बच्चे का जो अकाउंट नंबर गूगल में डाले हुए हैं, उस अकाउंट में इस बच्चे को जो है ना अपना अमाउंट जितना भी आप डाल सकते हैं डालने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत कुछ परेशान है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं हाकियों से उनके बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत परेशानी में, इसलिए आप तमाम से गुजारिश करता हूँ फिर एक बार इस बच्चे की मदद कीजिए। आज वार्ड नंबर 26 में मैं गांधीनगर मैलूर में अशोक कुमार मड़ीवाल, जो उनकी बच्चा है 4 साल का मासूम बच्चा जिसे ब्लड कैंसर हुआ है, और अशोक कुमार की परेशानी और माशी तंगदस्ती को देखते हुए ख्वाजा शेख अज़हर साहब यूथ लीडर बिदर हमारे इस वार्ड में आए और इनकी परेशानी को दूर करने की अपनी सी अदनासी एक कोशिश की है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से, बिदर के तमाम अवाम से ये और पूरी जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों, एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है, लिहाजा इस मासूम 4 साल बच्चे की जान बचाने के लिए, क्योंकि अशोक कुमार मड़ीवाल एक कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो माशी कमज़ोरी के शिकार हैं, लिहाजा आज हम और आपको सबको एकजुट होकर अपने से जो हो सकता है उनकी इकोनॉमिकल सपोर्ट करें, जिससे बच्चे का इलाज को वो मुमकिन बना सकें। इस बच्चे के इलाज के लिए काफ़ी सारा खर्च आ रहा है, वो आप और हमारे ताउन से कंट्रीब्यूशन से इस बच्चे की जान बचाने में हम मदद कर सकते हैं। तो लिहाजा तमाम अवाम ख़ास करके, क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान की मदद करने के लिए के सियासत लोग करते हैं, दिखावे के काम बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सच्ची ज़ात पात से बालातर होते हुए ऊपर उठते हुए लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। आज तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए इंसानियत को बचाने की एक अदना सी मिसाल हमें पेश करने की ज़रूरत है। तमाम बिदर के अवाम से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ और जितने ये वीडियो देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैप्शन में यहाँ पर अशोक कुमार मड़ीवाल का मोबाइल नंबर, फ़ोनपे, गूगल पे का नंबर आपको दिया जाएगा, उनका अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा, डायरेक्ट इनकी मदद आप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो तलाश करते हैं कि ज़रूरतमंद है कहाँ हम खर्च करें। तो लिहाजा आप लोगों के सामने एक ज़रूरतमंद और मजबूर शख्स आपके सामने आया है, उसकी मदद करें। और इस वार्ड में आने के लिए और हमारे इस महल्ले के नौजवान की माशी मदद करने के लिए मैं ख्वाजा शेख अज़हर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि भरपूर मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़हर भाई और फहीम भाई और हमारे चचा अताउर रहमान और अशोक जो हमारे दोस्त हैं बचपन से, इनकी पूरी मुश्किल हाल हकीकत ये पूरे लोग बयान करें, क्योंकि इनका बच्चा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, इनके बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। इसके लिए मदद के लिए सबसे अपील कर रहे हैं लोग, तो माल वाले बहुत कुछ है और सियासतदान भी बहुत कुछ है हमारे मैलूर में, लेकिन जिस जगह खर्चा करना है उस जगह नहीं करते, ज़कात ना आए, इससे ज़्यादा अच्छी कोशिश चीज़ हो सकती है जो लोगों के लिए, ऐसी जगह दिए तो ज़कात सब पहुँचता है, क्योंकि लोग ज़कात और फितरा जो भी है लोग इसी जगह दिए तो इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है उनको कबूल होने के लिए, लेकिन लोग बेफजूल खर्चे करते हैं बैनरा कटोटा लगा के, लेकिन ऐसे टाइम मदद के लिए बहुत कम लोग आते हैं। जैसा कि हमारे अज़हर भाई आए हैं इस टाइम, उनको जो हम जाके इत्तला दिए थे कि भाई ऐसा है अज़हर भैया, बोले तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ माँ तुम्हारे लिए, बोल को बोले उन्होंने। तो ऐसे लीडरों की ज़रूरत है हमारे बिदर को,
क्या है, लोग यूज़ करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मदद की बात आती है तो पूरे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज हमारे को मालूम हो रहा है कि गलत क्या है और अच्छा क्या है, ये देखते हुए हम हमारे दोस्त हमारे भाई जैसा दोस्त है, ये बच्चा मासूम बच्चा है, किसी का बच्चा जो बाप है उनके ऊपर मालूम होता है, उनकी औलाद के ऊपर जो गुजर रही होगी, लेकिन वो बाप के दिल को मालूम होता है। मेरे दोस्त की मदद करो, और मेरा दोस्त बहुत परेशान है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनके फ़ोन पे गूगल पे इनकी मदद करो, शुक्रिया।